तो आज हम लोग पहुंचे हैं बहुत दिनों बाद लॉकडाउन के बाद। आज हमारे स्टेडियम में फुल रौनक लगी हुई है। देखो सारे नए मिल जाए, सारे नए मिल जाए, सारे नए मिल जाए। अबे कल कट कर रहा है, कट कर। तो आज लॉकडाउन के बाद हम स्टेडियम में पहुंचे हैं। यहाँ बहुत ज्यादा कट यार, कट कर। तो आज हम पहुंचे हैं लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद, इस स्टेडियम में जहाँ बहुत ज्यादा रौनक लगी हुई है। तो हम यहाँ कुछ खिलाड़ियों से बात करेंगे, तो देखते हैं आगे। तो चलिए और लॉकडाउन में बात करते हैं हम खिलाड़ियों से कि कैसा रहा उनका लॉकडाउन। तो सर बताइए आपका लॉकडाउन के बारे में क्या ख्याल है, बताइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं खिलाड़ियों की बोल बंद हो गई है, हर एक बात वो कुछ नहीं बोल पा रहे और उनके मन में इतना गुस्सा है कि आपको गुस्सा दिख ही रहा है। तो कैमरामैन शिंदे भाई के साथ शुद्ध वैष्णो भोजनालय। जैसे आप लोगों को पता ही, आज हम स्टेडियम में इकट्ठे हुए और हमें इतना मजा आ रहा है, इतना मजा। तो क्यों क्यों आज तक कालू रंडवा है? तो क्यों आज तक बच्चों को स्मार्टफोन नहीं दिए गए? तो क्यों मोदी जी की आज तक शादी नहीं हुई? और क्यों आज तक सलमान खान भी कुंवारा है? आखिर क्यों? जनता जवाब जानना चाहती है। तो आइए और पूछते हैं कुछ लोगों से कि उनके लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है। भाई बहुत ही गंदे ख्याल है। ओह नो, चैन से सोना है तो जाग जाइए। और कईयों ने आप देख ही सकते हैं बहुत ज्यादा बहुत मारा सारे ने। तो कैमरामैन छिंदे के साथ आके आप अपना लगा लो। ये माँ मर गया। अब हम पहुंच चुके हैं गांव में, चलिए बातचीत करते हैं यहाँ के लोगों के साथ कि उनका पंजाब के बारे में क्या कहना है। नमस्कार सर। सर आपका पंजाब के बारे में क्या कहना है? अभी हम पहुंच चुके हैं पंजाब के गांव में, तो हम बातचीत करते हैं। यहाँ पे एक बच्चा और युवा भी बैठा है, इसलिए उनसे पहले बात करते हैं पंजाब को लेकर, उनका क्या कहना है। जी नमस्कार सर। मैनू पूछो जी, मैं जवाब नहीं सर। हमारा कैमरा चल रहा है, एक मिनट जी। चलिए अभी मुझको वैसे देखने के लिए ये बहुत ही सुखान व्यक्ति लग रहे हैं और बहुत ही ज्यादा सुलझे हुए लग रहे हैं। आप बताइए आपका क्या कहना है गांव के बारे में? ज्यादा नहीं डाना है, पूरे पड़ा नहीं है ना, खड़ा बंदा पता है सामने जाऊंगा यार, पूरे सामने ही जाऊंगा। हां जी, उनको भी दिक्कत होती है। मतलब मैंने इतनी लाइन बोल दी आपको समझ में नहीं आई? नहीं, मैं तो फोन लेती है ना जी, इनकी सोनी बुढ़ी में पता दिखती नहीं करे। देखिए हमारा जो लाइव कवरेज चल रही है आपके गांव की, तो भाई बोले जी 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 ठीक है। तो वो हमारे कैमरा मैन, वो तो कुछ नहीं कहना, कल्ला जाना आपा, कुछ नहीं कहना यो जी। बताइए किसी की बोलते सी के पूछो यार, मतलब मैं कहां पे बस गया? अगर आप मेरी बात का अंडरस्टैंड कीजिए, आप अपने गांव का जो माहौल है इस टाइम उसके बारे में बताइए कि यहां पे आपको कौन कौन सी जो फैसिलिटीज है वो मिल रही है, नहीं मिल रही, जो गवर्नमेंट द्वारा वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए? देखो गवर्नमेंट गवर्नमेंट का तो सानू कुछ नहीं पता जी, मैं तो आपका दुख हो गया ना, उसके कोई कोई सूची नहीं लगी सुन किसी इत्या जिथे डंडा है कि जिथे तुझ मेरे नाल सुन लो, पर एक कमी कले जमीन है मेरे को, नाके ते मोटर लगी है राज करी ना करा दा। नहीं नहीं चलिए कोई बात नहीं, मुझे मतलब ठीक है कोई बात नहीं, मतलब मुझे तो ऐसा लगा था कि बहुत ही सूझवान और सूझे हुए लग रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है वो मुझे भी किया। सो चलिए छोड़िए, अभी हम आपको तो ब्रेकिंग न्यूज आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही गंभीर समस्या पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही गंभीर समस्या पर। जी हाँ दोस्तों, भैंसों ने हड़ताल कर दिया, तो हम पूछेंगे भैंसों से इन हड़ताल का कारण क्या है, इस हड़ताल का क्या कारण है प्रिय भैंस? जी हाँ दोस्तों, तो आपने जैसे देखा ही है कि गायों को माँ का दर्जा दिया जाता है, तो भैंसों को क्या मासी का दर्जा भी नहीं दे सकते हम लोग? इस बात पे मैं मोदी सरकार जी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप लोग भैंसों को मौसी का दर्जा कम से कम दिया जाए। तो लीजिए हम उनकी एक बहन से और बात करने जा रहे हैं।
बारे में क्या राय है, तो बताइए आपको आपकी क्या राय है इस बारे में। ऐसा मरूंगा बेटा, कैसे मेरा सारा गब्बा जड़ता है चढ़ा है ये पुत्र। ये देखिए जैसे भैंसों का रोष बढ़ते हुए और ये अपना हड़ताल नहीं तोड़ने का फैसला कर रही है, तो इसी के लिए मोदी सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इनको कम से कम मौसी का दर्जा दिया जाए। तो कैमरामैन शिंदा के साथ बस जो मर्जी समझ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण और आज हम पहुंचे हैं पंजाब की धरती में। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख रहे हो कई तरह की दुकानें भी यहाँ पे जो लगी हुई हैं। तो आज हम बात करते हैं इन दुकानदारों से कि उनका पंजाब के बारे में क्या कहना है। चलिए आइए बात करते हैं। सर आप हिंदी में बात कर सकते हो मेरे साथ? केंदू दो चाल है वे। ओके, चलिए आप आज हमें अपने पंजाब के माहौल के बारे में कुछ बताएंगे। मैम पंजाब का माहौल तो बहुत खराब है। मतलब कैसे? जो केंद्र सरकार ने तीन काले कानून का पास किया ना, उसको लेके सारा पंजाब बहुत दुखी है जी। इसलिए हम बहुत दुखी है, काम नहीं चलता, काम धंधा सब ठप हो रहा है, इसलिए हम बहुत दुखी। और युवाओं का क्या कहना है? जवाब तो सब सरकार के खिलाफ है और बहुत आक्रोश है। जो युवा है हमारे यहाँ के, उन्हें बहुत आक्रोश है। हम सादा देखो गरीबा की हाल है, कोई काम तो मैं सारा ठप पिया गा। आप ध्यान का आप लाला देखिए एक्सपेरिमेंट करिए। पहले तो आपने बोला है कि आप मेरे साथ हिंदी में बात करेंगे, लेकिन अभी आप फिर से पंजाबी बोलने लगे। चलो मैडम हिंदी के तो बट कर देंगे। आपने इतनी बार बोल दिया हिंदी के बट कर देंगे, लेकिन कहाँ निकाले आपने ये भी तो मुझे दिखे। बस मोदी ने कर दी है बट, तो मोदी ने कर दिए हैं। किस चीज के? अब देखो महंगाई इतनी हो गई है। हाँ। जो पेट्रोल है 102 रुपए लीटर हो गया है। हाँ। पहले मैं 50 रुपए लीटर था। ओके। अब हो गया 102 रुपए लीटर तेल। ठीक है, महंगाई ने तो कमर तोड़ दी मैडम जी। ओके चलिए, अभी आप लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे? मैम जी हम तो यही सरकारों से प्रार्थना करेंगे कि माड़ा मोटा गरीब वाल भी देखा जावे ना जी। और साडे वाल देखे गया, देखो दुकानदार कैसे बैठे हैं, कोई ग्राहक नहीं है तो देख लो माड़ा तुम देख। चलिए आपने बोला कि आप अभी स्टडी भी की, आप स्टडी कर चुके हैं ठीक है। तो आपको आपने कभी ट्राई नहीं किया है किसी जॉब के लिए? मैंने बहुत ट्राई किया कैप्टन के लारे भी। आपको पता है ना कैप्टन ने इतने लारे लगाए हैं। वो पहले कहते थे कि प्लस टू पास को हमने तो बीए कर रखा है, फिर भी ठीक है कोई फैसिलिटी नहीं दी सरकार ने। आपको आपको स्मार्टफोन मिल गया अभी? केड़ा स्मार्टफोन नहीं मिला है नहीं, मतलब आप क्या कहना चाहें, आप क्लियर बोल सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम के जरिए। मैं क्या करे, सरकारें लोकू हो गई है। चलिए आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके अभी तक चाय नहीं आई। चाले मुझे पता है आपका, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए जो अपना टाइम निकाला उसके लिए हम मेरे चैनल के जरिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। कैमरामैन सागर के साथ प्रवीण की खास रिपोर्ट, और आप देखते रहिए चल तक चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण और आप सभी लोग देख रहे हो चल तक चैनल। जी हाँ, आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है देश की आर्थिक स्थिति। इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही चर्चित नेता यानी कि मशहूर नेता राहुल चांदी जी। नमस्कार सर। नमस्कार 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 सर, उधर आप किसको नमस्कार बोल रहे हैं, कौन है उधर? देखिए हमकी तो रोज रोज की आदत पड़ गई है, सबको पब्लिक के सामने रैली पे जाना है, नमस्कार नमस्ते आदाब सब करना पड़ता है। ठीक है चलिए मान लेते हैं जी। चलिए नेता जी, आप अभी हमको ये बताइए कि आपने अब तक देश के लिए क्या किया है, ये बताइए। हमने देश के लिए बहुत कुछ दिया है और आगे भी देंगे। ऐसा क्या दिया है? अरे पहले हमारी बात सुनिए मैडम, पहले हमारी बात सुनिए, उसके बाद आप बोलना, जो बोलना मुँह में आता जो मर्जी बोल सकते हो। हमने प्रति मेंबर को 2500 रुपया देने का ऐलान किया और दे भी रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। कौन कहता है कि आप 2500 रुपए दे रहे हैं? हम कह रहे हैं आप भी दे रहे हैं, पहले बात सुनिए। 2500 रुपए दे रहे हैं और प्रति मेंबर को हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं। झूठ
कितने दिन बोले जा रहे हो आप हमारे स्टूडियो में आकर? आप नहीं जानते मैडम, अपना आपका तो काम है एक बात को बुला कर चला कर बोलना है, पर हमारा का जो काम है हम करके दिखा रहे हैं। हमारी पार्टी को मालूम है, हमारी पब्लिक को मालूम है, हमारे मेंबर को मालूम है, आप कुछ नहीं जानते, आपको कुछ मालूम नहीं है। चलिए हमने जो किया हम कर रहे हैं, आप बता दीजिए हमारे ऑडियंस को आपने क्या किया अभी तक। हमने आगे भी ऐलान किया और अभी कर रहे हैं, 2500 प्रति मेंबर को दे रहे हैं, अब दे भी रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। ऐलान ही करना चाहते हो? दे भी रहे हैं, ऐलान तो कर रहे हैं। अगर हमारे पास जो सिस्टम होता है, पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपको जो मन में है आप बोल सकते हैं, आपका तो काम बोलने का है। हमारा काम है देने का, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, हमारा काम है देने का। हमने जो वादा किया है वो प्रति मेंबर का सबका ऐलान किया है, वो पूरा प्रति कर कर दिखा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐलान नहीं है, ऐलान भी तो वही करेंगे। नेता जी, नेता जी, आपने तो ऐसा भी बोला कि आपने 400 फ्लैट दे दिए, किसको दिए? मुझे तो नहीं मिला। बिल्कुल किया जी। किसको दिए बताइए? जो हमने चार पर प्लाट लगाने का वादा किया है, प्लान किया है और दिया भी है। और एक बात ये है, हमारी बात सुनिए, और एक ऐसी मशीन लगाएंगे, एक साथ से आलू डालो और दूसरी साथ से सोना निकालो। अच्छा, तो काम है ये कब लगाएंगे? ये भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे। प्रोसेसर थोड़ा चल रहा है, थोड़ा कम चल रहा है, जो टाइम आता है टाइम के हिसाब से होता है। नेता जी से अच्छी तरीके से तो बोला नहीं जा रहा, मतलब कुछ भी जो आ रहा है मन में बोले जा रहे हैं। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए, आप जो बोल रहे हो ऐसा नहीं होता है, जो एक बात बोल दी उसको 10 बार बोल कर आप उधार चढ़ा कर आप बोल देंगे वैसा हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब आप जो बिल्कुल सही है, आपने युवाओं के लिए, हमने, मेरी बात सुनिए, हमने जो शर्तें बनाई हैं, शर्त भी हमारी तो ऐसी एक जबरदस्त आइटम बना दी है, उस पे बम सेट हो ना, बम सेट होगा वो शर्त फिर भी टूटेगी। नेता जी मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कोई फालतू बकवास को बहसबाजी नहीं करना चाहता। अगर ऐसे नहीं आप जो मन में आप बोली जाओगे, आपका जो चैनल है वो हमारे बस में है, अगर आप चाहो तो यूं मैं ऐसे उठाकर आपको बाहर खींच सकता हूँ, ज्यादा ही नहीं, उन्होंने बकवास नहीं सुनी। तो आप सबका स्वागत करते हैं शुद्ध वैष्णो पंजाबी चैनल। तो आज हमारा चर्चा का विषय का है, चर्चा का विषय खास मुकालात मालूम है आपको मस्का। तो आज हमारे साथ हैं, क्या नाम है तेरो? हमारा नाम है जी राहुल चांदी। तो भाई राहुल, यू बताते ना हमारे देश खातर के क्या करे? हमने देश के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करेंगे। झूठ मत बोल, शुद्ध वैष्णो चैनल है हमारा, बर्बाद करेगा ये सच, सच बता के क्या करे देना करे कि नहीं बता सच में किया कुछ? क्या वही ना बात भाई, यहाँ बैठे सच बोलिए जमा कती, झूठ नहीं मना बर्दाश्त। अब जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के बिना कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये बनी भाई यहाँ बात, तो बताए जीतेगा बाद में क्या करेगा भाई? आपका जो आप वोट दोगे मुझे जीतने के बाद, ऐसा ऐलान करूंगा, कि दुनिया देखती रह जाएगी, एक लड़के को चार लड़कियों शादी करने का ऐलान कर दूंगा। भाई गणेश तेरी बात कह गया, या तो मेरा दिल में छपकी जमा करती, या सही कह दी, मेरा वोट करना पक्का मेरा भाई, ठीक है? और बता के क्या करेगा? देखिए जीतने के बाद मैं ऐसा प्लान ऐलान करूंगा, कि ज्यादा तो ज्यादा नौजवान जो लड़के हैं वो खुश हो, पूरे पंजाब में दारू की पेटी मुफ्त का, पूरे पंजाब में प्रति घर में एक दो पेटी मामूली सी। सब नशा पर लगा हुआ जानता नहीं आता है, किसे किसे चैनल वाले बुलाते हैं इन नेताओं ने, आया बड़ा मंत्री इसे मरू ना सारे गए देखिए आज का बाद में तो